तो उमेशपाल हत्याकांड में आज अतीक अहमद और अतीक के भाई अशरफ की पेशी होगी, लेकिन पेशी से पहले ही अतीक ने खराब तबीयत की शिकायत की है। उसका बीपी हाई बताया जा रहा है। दो डॉक्टरों ने उसका चेकअप भी किया। अतीक ने बताया कि गर्मी की वजह से सिर्फ दो घंटे ही बैरक में वो सो पाया। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट पहुंचने से पहले उसका फिर से मेडिकल कराने का फैसला लिया। सुबह 11 बजे के आसपास अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में पेशी है। पुलिस की तरफ से अतीक और अशरफ की कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी। कोर्ट से कस्टडी मिलने के बाद अतीक को पुलिस लाइन ले जाकर इंटरोगेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अतीक और अशरफ की पेशी करने के दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। कोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली करा दिया गया। सिर्फ उन्हीं वकीलों को इजाजत मिली है जो केस से जुड़े हुए हैं और वो वहीं वहां पर रहेंगे। इसके अलावा और कोई भी कोर्ट परिसर में नहीं रहेगा। तीन तस्वीरें देख लीजिए, इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें। कोर्ट में अतीक की पेशी है। पहले जब ये पहुंचा हुआ था उमेश पाल के अपहरण मामले में, जिस दिन इसकी पेशी थी कोर्ट में, उस दिन की तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रयागराज से ही है। सुबह 11 बजे आज इसकी पेशी होगी। अशरफ भी आज यहाँ पेशी के लिए लाया जाएगा। बहन भांजी पर भी सुनवाई है क्योंकि सरेंडर अर्जी दी गई है। और आपको दिखाते हैं कि कोर्ट में जाने से पहले जो वहां पर इंतजाम हैं कोर्ट के बाहर वो कैसे हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। उमेश पाल मर्डर मामले में आज प्रयागराज पुलिस अशरफ और अतीक को प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी को लेकर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और अतीक और अशरफ को लाने के लिए बाकायदा तमाम जगहों पर, जो जहां जहां पर कोर्ट हैं वहां पर भी विशेष पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि 10 नंबर कोर्ट में आज जो है अशरफ और अतीक की पेशी होनी है। आज पुलिस जो है कस्टडी रिमांड की मांग करेगी। माना जा रहा है कि 14 दिन की रिमांड की मांग की जाएगी, लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर 14 दिन की नहीं मिलती है तो 7 दिन की अपील की जाएगी। तो 10 नंबर सीजीएम कोर्ट में आज पेशी होनी है और पेशी को लेकर पूरी तरह से कोर्ट परिसर में तैयारियां कर ली गई हैं। छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जिस गेट से अशरफ और अतीक को लाया जाएगा वहां पर भी जो है विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा पुलिस बल जो है उसको तैनात कर दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि चारों तरफ चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस बल तैनात रहेगा। ऐसे में फिलहाल जो दूसरा गेट है पीछे की तरफ का, वहां पर भी विशेष तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी जो वकील है या खास तौर से जो आज जो इस परिसर से जिनका कोई मामला नहीं होगा उनको आज नहीं आने दिया जाएगा। तो फिलहाल 10 नंबर सीजीएम कोर्ट में आज माफिया ब्रदर्स की पेशी होने वाली है और इस पेशी पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि आज पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी और उमेश पाल हत्याकांड में तमाम माफिया ब्रदर्स से जो राज है वो उगलवाने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। प्रयागराज उमेशपाल शूटआउट कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब आपको ये भी बता दें, वारंट बी पर प्रयागराज लाए गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। अतीक और अशरफ से पूछताछ के लिए तैयारी की गई है और पुलिस अफसरों की स्पेशल एक टीम है जिसे बनाया गया है। वारंट बी के तहत कस्टडी रिमांड पे अतीक और अशरफ से पूछे जाने वाले 200 सवालों की फेरिस्त भी तैयार हो चुकी है। दोनों भाइयों से असद सहित पांचों शूटर्स के छुपने के ठिकाने को लेकर भी पूछताछ होगी। अतीक और अशरफ की फरार बीवियों और बहन भांजियों के ठिकानों को लेकर भी इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। तमाम सवालों के जरिए उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के अनसुलझे तारों को सुलझाएगी पुलिस आज। तो रिमांड पर लिए जाने के बाद तीन शिफ्ट में तेज तर्रार अफसरों की टीम अतीक और अशरफ से पूछताछ करेगी। सीजीएम कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस अतीक और अशरफ की 14 दिन की कस्टडी रिमांड की भी मांग करेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है और इसकी पूरी संभावना भी है कि 14 दिन की कस्टडी मिल जाएगी पुलिस को, क्योंकि दोनों से इस पूरे हत्याकांड मामले में, इसकी साजिश के मामले में पूछताछ होगी। जो बाकी गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं उनसे भी आमना सामना अतीक और अशरफ दोनों का कराया जा सकता है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। Z News.